ठीक है, देखो एयर वेज इंटरफेरेंस है ना, तो हम क्या एयर का वेज कैसे बनाए पहले, तो है ना एयर से हम यहाँ पे इंटरफेरेंस करवाने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, दो गिलास की स्लैब्स ले लेते हैं। ये गिलास स्लैब है और ये थिक गिलास स्लैब्स है, यहाँ पे थिन भी नहीं है। ये स्लैब अच्छी खासी थिक होती है ना, 1 सेंटीमीटर की विड्थ होगी इनके, अराउंड 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो नॉर्मल होती है। फिर एक और हम बिल्कुल सिमिलर बताए गिलास स्लैब ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये इस डिस्टेंस को मैंने बहुत एग्जाजरेट कर दिया है, एक्चुअली में ये डिस्टेंस अराउंड तुम्हारा 1 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। मतलब इन दोनों ग्लास स्लैब्स को ऐसे तुम देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि ग्लास स्लैब एक के ऊपर एक पैरेलली रखी गई है। असलियत में इन दोनों के बीच में मैं कोई एक हेयर रख दूंगा या फिर पेपर का पीस रख दूंगा। समझ में आया क्या? इसको दिखाने के लिए बहुत बड़ा बनाया है, असलियत में तुम्हें दोनों पैरेलल दिखेंगी बिल्कुल। बस एक एंड पे कोई हेयर का एक पार्टिकल हेयर रख दिया या फिर कोई पेपर का पीस रख दिया बस, एक जिसकी विड्थ माइक्रोमीटर में हो। तो समझो अब ये जो डिस्टेंस है ये वेज के शेप में आ गया और यहाँ पर बीच में क्या है तुम्हारी एयर। समझे क्या? बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक, तो ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल क्या है थीटा। थीटा भी क्या होगा तुम्हारा, ये बहुत स्मॉल है तो थीटा इज ऑल्सो बहुत ही छोटा है तुम्हारा, थीटा 0.001 डिग्री को समथिंग, इतना छोटा है थीटा। पर इतने से भी बताए कुछ बहुत फर्क आ जाएगा जो हम देखते हैं क्या होता है अगर इस तरीके पैटर्न करें। तो यहाँ पर मान लो हम बताए लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं ना, लाइट को इंसिडेंट करवाया हमने तो क्या होगा, यहाँ पे लाइट आई चली गई वापस, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे गई फिर चली गई वापस, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये जो लाइट यहाँ पे गई, क्योंकि इधर से जो लाइट टकरा के वापस जाएंगी उन वो आपस में इंटरफेरेंस नहीं होगा उनका, क्योंकि ये थिक स्लैब्स हैं, थिक स्लैब्स के कारण कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, इंटरफेरेंस सिर्फ थिन के कारण होता है। अब यहाँ पे जब लाइट जाएगी, ये डिस्टेंस लाइट ने चला, अब टकराई, अब ये रेयरर टू डेंसर रिफ्लेक्शन है, अरे ये कुछ म्यू है, ये कुछ म्यू है, ये एयर है, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट करी अब, और फिर ये बाहर गई है ना। तो जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है वो इन दोनों लाइट में हो रहा है, याद रखना। जो थिन जगह, जो पतली जगह डिस्टेंस ट्रैवल करती है उनमें इंटरफेरेंस होता है, इसके कारण कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसके कारण कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बस ये मीडियम मतलब बिहेव कर रहे हैं एयर वेज को क्रिएट करने में, मटेरियल की तरह बिहेव कर रहे हैं बस ये। और क्योंकि लाइट को पास करवाने के लिए ट्रांसपेरेंट चीज़ चाहिए थी, इसलिए हम लोग गिलास को लिया। तो कौन सी दो लाइट इंटरफेयर करने वाली हैं, ये लाइट एक तो इधर पे टकरा के, देखो इस बाउंड्री पे कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ। अब वो बहुत गंदा सा दिखेगा ना, तो ये जो पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ और एक पार्ट जो इतना पार्ट ट्रैवल करके आया उन दोनों के बीच में, थोड़ा बड़ा बना के बता देता हूँ उन लोगों में। बाहर से लाइट आई कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ पे ये लाइट आई, एक पार्ट गया, एक पार्ट ट्रांसमिट हुआ, एक पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये जो यहाँ पे गया इसमें फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ये ट्रांसमिट हो गया। तो हमें इन दोनों के बीच में देखना है, इन दोनों लाइट में इंटरफेरेंस होने वाला है। इनको नाम दे दूं कुछ, 1 दे देता हूँ और 2 दे देता हूँ, क्योंकि थिन डिस्टेंस ये वाली लाइट ट्रैवल करके आई है, तो सेकंड वाली ने 1 वाली से कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो डेल एक्स कितना होगा बताओ पहले। तो मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस तुम ले लो, इस डिस्टेंस को कुछ भी ले लेते हैं, एक्स ले लो ना, जिस जगह पर ये लाइट गिर रही है उस डिस्टेंस को अपन एक्स बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा पर ये कंफ्यूज मत होना, ये डेल एक्स और इसमें इसको आर बोल दो, ठीक है। तो डेल एक्स तुम्हारा बताओ क्या आ रहा है, पहले तो डेल एक्स है तुम्हारा x2 - x1, इन दोनों लाइट के बीच का पाथ रेफरेंस बताओ वो क्या होगा। ये डिस्टेंस अभी के मान लो, ये डिस्टेंस मान लेते वाई है, तो इसने वाई यहाँ पर ट्रैवल करा और वाई वापस ट्रैवल करा, तो कितना आएगा तुम्हारा, आर थीटा है इसलिए ना सीधा लिख देते हैं 2r θ है ये डिस्टेंस, ठीक है। और आर यहाँ पे ट्रैवल करा, आर यहाँ पे ट्रैवल करा ना, ठीक है। और देखो ये वाला जो रिफ्लेक्शन है वो रेयरर टू डेंसर वाला रिफ्लेक्शन है, देखो ये पहले ये ट्रांसमिट हुई थी कोई फेज चेंज नहीं आया, अब ये रेयरर टू डेंसर वाला रिफ्लेक्शन है तो फेज चेंज होगा क्या, होगा। फिर ये यहाँ पे फिर ट्रांसमिशन हो गया तो कोई फेज चेंज नहीं, तो एक रेयरर टू डेंसर वाला रिफ्लेक्शन है तो उसके कारण फेज चेंज आएगा, उस फेज चेंज को पाथ डिफरेंस के टर्म में कैसे लिख सकते हैं अपन, लैम्डा बाय 2, ठीक है। अच्छा देखो इसको दो तरीके से करते हैं ना इस एक्सपेरिमेंट को, या तो यहाँ पे एयर ले लेते हैं, एयर ले लेंगे तो यहाँ का म्यू बन हो जाएगा, यहाँ पे कोई कई बार ऑयल भी ले लेते हैं, ऑयल ले लेंगे तो उसका म्यू कंसीडर करना पड़ेगा, तो मैं जनरल डेरिवेशन कर देता हूँ।
एयर की वेज की जगह है, देख लो वेज का इंटरफेरेंस देख लो ना, यहाँ पे एयर की जगह मैं कोई ऑयल की फिल्म ले लेता हूँ, ऑयल की फिल्म भी लगा सकते हैं ना, उससे भी इंटरफेरेंस हो जाता है। और ऑयल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैं म्यू मान लेता हूँ, और जो भी है ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो भी है वो म्यू से ज़्यादा है, तो यहाँ पे अपन क्या ले सकते हैं, 2μr θ। तो इसमें टेंशन कुछ नहीं है, अगर ऑयल की जगह एयर दे देंगे तो इस म्यू को क्या ले लोगे तुम, 1, बस इतना ही है। क्लियर है क्या? पर मैं डेरिवेशन जनरल वाला कर देता हूँ ताकि अगर ऑयल आए तो भी तुम कर पाओ। ये क्लियर है डायरेक्ट जो निकाला है? ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए भाई, अगर तुम्हें अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन आएगी बताओ? डेलेक्स क्या होना चाहिए तुम्हारा? एन लैम्डा के बराबर। तो एन लैम्डा के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2μr θ इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये आ जाएगा एन माइनस हाफ लैम्डा। तो तुम्हारा आर क्या निकल के आया? आर निकल के आया लैम्डा बाय 2μ θ, लैम्डा बाय 4μ θ का ऑड मल्टीपल। देखो यही आ रहा है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4μ θ पे तुम्हें क्या मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। मतलब यहाँ से तुम बढ़ना चालू करोगे तो पहला तुम्हें कहाँ मिलेगा, लैम्डा बाय 4μ θ पे पहला मिलेगा, फिर 3λ/4μ θ पे मिलेगा, फिर 5λ/4μ θ पे मिलेगा। आर ये डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे तुम्हें ब्राइट दिखेगा, फिर कहीं यहाँ पे ब्राइट दिखेगा, फिर ब्राइट दिखेगा, फिर ब्राइट दिखेगा, तो वो आने लगी ना जो इंटरफेरेंस पैटर्न हम देखते थे। और देखो कई जगह डार्क भी दिखेगा, डार्क वाली पोजीशंस निकालते हैं, डार्क कहाँ दिखेगा बताओ? उसके लिए डेलेक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, एन प्लस हाफ लैम्डा। तो तुम्हारा आ जाएगा भाई एन प्लस हाफ लैम्डा कर रहे हैं तो 2μr θ इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तो कट गया यहाँ पे एन लैम्डा आ गया ना, तो आर कितना आ गया तुम्हारा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2μ θ। मतलब तुम्हें कहाँ कहाँ दिखेगा, एक तो n इक्वल टू 0 पे दिखेगा, फिर कहाँ r इक्वल टू 0 पे मतलब, और फिर लैम्डा बाई 2μ θ पे, फिर 2λ/2μ θ पे, फिर 3λ/2μ θ पे, एंड सो ऑन। तो मतलब ये जो ज्वाइन होगा, यहाँ पर तुम्हें डार्क दिख रहा है या ब्राइट मिल रहा है, यहाँ पे डार्क दिखेगा। और देखा जाए तो सोचने में तो लगता है तो यार इस जगह पे तो पाथ डिफरेंस 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, पर ये समझ जाए कितना भी 0 हो, एक वेव रेयरर टू डेंसर रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो वहां पे उसने पाई का फेस एनकाउंटर कर लिया है इसलिए डिस्ट्रक्टिव हो रहा है यहाँ पे। समझ रहा है? वैसे तो यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, पर रिफ्लेक्शन के कारण पाई का एक फेस डिफरेंस आ गया है, तो जब भी कोई दो गिलास वगैरह प्लेट्स मिलती है तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पे तुम डार्क देखोगे, फिर उसके बाद अगला लैम्डा बाई 4μ θ पे तुम्हें क्या मिलेगा, ब्राइट, फिर क्या मिलेगा डार्क, फिर क्या मिलेगा ब्राइट, फिर डार्क। तो इस तरह से तुम्हें क्या मिलने लगी, ये जो पैटर्न मिली थी ना अभी स्ट्रेट लाइन वाली, वैसे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट की तुम्हें इंटरफेरेंस पैटर्न फिर से मिलने लगेगी। अगर वाइट लाइट डालेंगे तो कलर्ड पैटर्न दिखेगी, बस इतना है। अगर बीच में एयर दे देंगे तो म्यू को बन रख देना। फ्रिंज विड्थ क्या होगी बताओ, यहाँ पे कौन बताएगा फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है, बीटा कितना होगा बताओ, लैम्डा बाय फ्रिंज विड्थ मतलब दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस या फिर दो डार्क के बीच का डिस्टेंस, तो निकाल लो दो डार्क ब्राइट के बीच का निकाल लेते हैं, दिस माइनस दिस करो क्या आ रहा है, लैम्डा बाय 2μ θ, दिस माइनस दिस कर दो तो भी लैम्डा बाय 2μ θ, दिस माइनस दिस करो तो भी लैम्डा बाय 2μ θ। कोई भी कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच ब्राइट्स के बीच का डिस्टेंस या फिर कोई भी दो कंसेक्यूटिव डार्क्स के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ तुम्हारा क्या निकल के आ गया, लैम्डा बाय 2μ θ, ये ध्यान रखना है। अब याद रखना थीटा बहुत स्मॉल है तो लैम्डा भी बहुत स्मॉल है, तो कंसिडरेबल तुम्हें मिलती है ना फ्रिंज विड्थ। देखो इन सब के बताए एक्चुअली फ्रिंजेस कैसी दिखती हैं, तुम्हारा जो पैकेज है ना उसमें कवर देखो, जो वेव ऑप्टिक्स का पैकेज दिया है उसमें तुम्हें दिख जाएगा, वो सारे डायग्राम्स बने हुए हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंटल असलियत में जो दिखते हैं वो हैं। बताओ कोई देखो ये वाटर में जो रिपल्स होते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं वाटर में, ये देखो ऑयल में इंटरफेरेंस हो रहा है, ऑयल की भी पता है जो फिल्म होती है बहुत थिन फिल्म होती है, और क्योंकि वाइट लाइट डाल रहे हैं तो अलग अलग जगह कंस्ट्रक्टिव अलग अलग जगह डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो तुम्हें कलर्ड दिखने लगती है पैटर्न। ये न्यूटन्स रिंग है जो अभी पढ़ने वाले हैं, ये तुम्हारी
YDSE का एक्सपेरिमेंट, वाइट लाइट से जब YDSE का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखो सेंट्रल वाली वाइट आ रही है तुम्हारी, बाकी सारी कलर्ड आ रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जहाँ पे कंप्लीट डार्क आ रहा है, मतलब सबका डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। और ये जो मैंने तुम्हें करके दिखाई थी डाइफ्रेक्शन वाला, यहाँ पे इनका बहुत अच्छा है, ये सारे एक्सपेरिमेंट ना। अब देखो न्यूटन रिंग देखते हैं क्या होती है, यहाँ पे येलो लाइट से करा गया है न्यूटन रिंग को, जो सर्कुलर रिंग्स हैं वो न्यूटन रिंग कहलाती हैं। देखो न्यूटन रिंग क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नीचे ग्लास स्लैब रख देते हैं जैसे अभी रखी थी, और फिर हम उसके ऊपर एक लेंस टाइप का सा कुछ रख देते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस टाइप का कुछ, ये भी ग्लास का ही है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस टाइप का कुछ रख देते हैं। तो अगेन यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा बताओ, इस जगह पे तुम्हें क्या दिखेगा, डार्क लाइट तुम इस तरह से डाल रहे हो, लाइट ऐसे आ रही है ना, इस जगह पे तुम्हें क्या दिखेगा, ब्राइट दिखेगा डार्क दिखेगा। मान लेते येलो लाइट डाल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे येलो लाइट है ना, तो ब्राइट आएगा यहाँ पे, डार्क आएगा डार्क, कहीं भी दो ग्लास ज्वाइन करेंगे तो डार्क आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस दिखाने के लिए बहुत बड़ा है, असलियत में डिस्क भी ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप की सी होती है, ये डिस्टेंस भी माइक्रोमीटर्स में ही होगा, ठीक है, यहाँ पे एग्जाजरेट करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल देखो एक तरह से अभी अपन ने जो पढ़ा था वहाँ पे एक कॉन्स्टेंट थीटा था, यहाँ पे बस ये क्या है कि हर एक पॉइंट पे थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तुम जैसे जैसे आगे जाओगे थीटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पीछे आओगे थीटा कम होता जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम अभी भी मान सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ क्या है तुम्हारी, लैम्डा बाय 2 मी थीटा, हाउएवर थीटा इज वेरिएबल, पर अप्रोक्सीमेटली हम इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारा थीटा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, समझो जैसे जैसे तुम बाहर जाओगे रिंग से तुम्हारा थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा फ्रिंज विड्थ के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगी। देख लो अंदर की रिंग्स मोटी आ रही हैं, बाहर की रिंग्स बिल्कुल पतली होती जा रही हैं, फ्रिंज विड्थ कम होती जा रही है, बस यही है तुम्हारा न्यूटन रिंग। ये फॉर्मूला हम अप्रोक्सीमेटली लगा रहे हैं यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे डायग्राम नहीं बना रहा है ना न्यूटन रिंग की पैटर्न कैसी दिखेगी, क्योंकि वो तुम्हारे उस पर दिया हुआ है डायरेक्टली,